एक्सेल होता क्या? अब ऐसा ऐसा कुछ ऐसा तो नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ अलग सॉफ्टवेयर दिया है कि ये एडवांस है, या एक्सेल के कुछ फीचर्स है जो एडवांस है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है कि कहीं भी मेंशन नहीं है कि टॉपिक बेसिक है, टॉपिक एडवांस है। टॉपिक बेसिक और एडवांस डिपेंड करता है हमारे यूज के ऊपर। अब इसको मैं एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 20 लिखा और यहाँ पे 30 लिखा, राइट सर? अगर 20 को 30 के ऊपर पेस्ट कर दिया तो 30 20 से रिप्लेस हो गया। चलिए इससे आगे हम बढ़ते हैं, हम पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम दे देते हैं ऑपरेशंस के अंदर में, मान लीजिए हमने बोल दिया एडिशन, तो अब क्या होगा? दोनों के बीच में एडिशन होगा, 50 पेस्ट होगा। या पेस्ट स्पेशल हमने किया और यहाँ पे हमने कर दिया मल्टीप्लाई, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट पेस्ट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ आप ये समझ पा रहे हैं कि किसी भी, जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं और पेस्ट स्पेशल में हम ऑपरेशन सेलेक्ट करेंगे, तो जहाँ से कॉपी होता है और जहाँ पे पेस्ट होता है उसके बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है और रिजल्ट पेस्ट होता है। इसको हम बेसिक कह सकते हैं। लेकिन इसी चीज़ को अगर एडवांस में करें तो कैसे करेंगे? एडवांस एक्सेल की क्लासेस में तो सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जैसे कि आपको 20% लिखना है तो 20 और परसेंट का सिंबल डालेंगे तो 20% आए। अगर आपने 20 को टाइप कर दिया, एंटर मार के फिर इसको सेलेक्ट करके फिर परसेंटेज का सिंबल दिया, तो ये आपको 2000% आ जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक्सेल में 1 = 100% होता है। मतलब आपको बाद में परसेंटेज लगाना है तो 0.20 टाइप करके देन इसके ऊपर परसेंटेज का सैम्पल देंगे, तब जाके 20% हो। अब यही एक प्रॉब्लम होती थी कि हमारे एक कलीग थे, मुझे एक डेटा भेजते थे और डेटा का हेडिंग दे देते परसेंटेज, और लेकिन रहता वो नंबर में था। जैसे कि मैं रैन बिटवीन फॉर्मूले से कुछ नंबर्स यहाँ पे ला दिए। अब प्रॉब्लम ये है कि उनके अकॉर्डिंग ये 45% है, लेकिन एक्चुअली में 45 नंबर है। तो अगर 500 का 45% चाहिए तो 45% में होगा तो हम इजिली दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाए। लेकिन 45 नंबर में हुआ तो रिजल्ट हमारा गलत आया, तो मतलब कि फॉर्मूले को एडिट करना पड़ेगा, जैसे कि डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो डेटा है बहुत ज़्यादा है और जहाँ मैं यूज कर रहा हूँ वहाँ पे मेरा जो परसेंटेज वाला ही सिस्टम चलता है, तो मैं जो है यहीं पे परसेंटेज में कन्वर्ट करके डालना चाहूंगा, क्योंकि हम नंबर वहां यूज नहीं कर सकते जहां इसको यूज करता है। तो कैसे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें? तो मेरे पास दो चॉइसेज हैं। पहला, एक एक सेल में जाऊं और परसेंटेज का सिंबल ऐड ऐड करके एंटर प्रेस करते चले जाऊं, बट ये बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि अगर डेटा अगर 1000 2000 10000 लाख हुआ तो काफी दिक्कत हो जाएगी। दूसरा है कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता है इस तरह से। परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा तो वी जस्ट अप्लाई द परसेंटेज। बट प्रॉब्लम यहाँ पे वही आता है कि परसेंटेज एक में कन्वर्ट कैसे करें। तो यहाँ पे को हम अपना ए वाला जो एग्जांपल है ये रखते हैं। हम एक सेल पे यहाँ 100 टाइप करते हैं, इस 100 को कॉपी करते हैं और पूरे एरिया को सेलेक्ट करके राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज ए डिवाइड करते हैं। हर नंबर 100 से डिवाइड हो जाएगा, हो गया सर? देन हम जस्ट परसेंटेज अप्लाई करें। एक सेकंड दीजिए। तो देखिए, चीजें वही हैं जो सीट वन पे बताया मैंने। सीट वन में समझा दिया आपको कि भाई इस ऑप्शन को ऐसे यूज किया जाता है, लेकिन इसी चीज को हम एक प्रॉब्लम के साथ आपके साथ डिस्कस किया तो आपके प्रॉब्लम की अहमियत पता चल गई कि हाँ, इस ऑप्शन को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो हमारी जितनी भी क्लासेज होती है सब इसी पे डिपेंडेंट है, इसी तरह के एग्जाम्पल पे डिपेंडेंट है। अब मैं इस तरह के एग्जाम्पल दे कैसे सकता हूँ? इसके पीछे मेरा करीब 17 साल का एक्सपीरियंस है और मैं तकरीबन 1 लाख स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ अभी तक, वो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, मतलब कि हम फ्रेशर्स को क्लासेस नहीं देते, वर्किंग प्रोफेशनल्स को क्लासेस देते हैं। तो उनके क्वेश्चंस जो है रिलेटेड टू ऑफिस वर्क होता है,
तो मेरे हर एक ओके ऑप्शंस के पीछे कोई ना कोई एक लॉजिक होता है, एक ऑफिशियली यूज होता है, जैसा कि आप मेरे वीडियो यूट्यूब के वीडियोज पे देखते ही हैं। अब बात कर लेते हैं कोर्स के ऊपर। देखिए पहला कोर्स आपका है एडवांस एक्सेल विथ फॉर्मूला, राइट। ओके दूसरा हमारा है वीबीए माइक्रोज प्रोग्राम। अब वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग अगर करेंगे तो इसके साथ इंक्लूड हो जाता है एमएस एक्सेस और एसक्यूएल क्यूरी। ओके क्योंकि जब हम वीबीए प्रोग्रामिंग के थ्रू जब डेटाबेस की कनेक्टिविटी करते हैं तो एसक्यूएल क्यूरी की जरूरत पड़ती है, और एसक्यूएल क्यूरी की प्रैक्टिस करने के लिए हम एमएस एक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एमएस एक्सेस भी कवर होता है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि एमएस एक्सेस एडवांस लेवल का कवर होता है, उतना जरूरत हो जितना हम एक एमआईएस को रिपोर्ट ऑटोमेट करने के लिए जरूरत पड़ती है, वो सारे चीज हम कवर करने की कोशिश करते हैं। ओके अब जब ये दोनों कवर जब दोनों कवर हो जाता है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्लासेस डैशबोर्ड की। हालांकि डैशबोर्ड जो है दोनों में होता है, वीबीए के बाद भी होता है और एक्सेल के साथ भी होता है। तो डैशबोर्ड जो है फॉर्मूला के थ्रू भी बनाना सिखाते हैं और इसमें वीबीए प्रोग्रामिंग के थ्रू भी बनाना सिखाते हैं। तो डैशबोर्ड इसके अंदर कवर होता है। एक एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन का एक प्रोग्राम होता है जिसको तकरीबन 100 से 120 घंटे लगते हैं, मतलब कि आप 3 to 4 month मान लीजिए, ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है क्योंकि तो एवरेज है, ये हमारी आपकी लर्निंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। क्लासेज आपका मंडे टू फ्राइडे होगा। बैच के अंदर में दो से मतलब कि 1 से 3 स्टूडेंट होते हैं हमारे, आप अकेले भी हो सकते हैं और दो बच्चे और भी सकते, तीन भी और मतलब 3 लोग होते हैं हमारे पास। फ्री री ज्वाइनिंग की फैसिलिटी है। आफ्टर दी क्लास आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे आप दोबारा रीज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आपने सीख लिया, साल एक साल बाद आपको लगा कि आप बहुत सी चीज़ें भूल गए, आपको थोड़ा सा रिकवर करना चाहोगा, तो आप मुझे फ़ोन करेंगे, मेरा जो भी रनिंग बैच होगा मैं बताऊंगा कि इस बैच में ये चल रहा है, आ जाइए, आप आ जाइए। उसके लिए कोई चार्ज नहीं करेंगे, मतलब कि हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे, ठीक है, पहले चीज। उसके बाद यहाँ टेलीफोनिक सपोर्ट आपको मिलता है, अगर कहीं पे स्टॉक होते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। ओके राइट सर। ना मैं बहुत समझ हर गया। क्लास की देखिए रिकॉर्डिंग डैश, हर क्लास की हाँ वीडियो बोलिए। रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, आफ्टर द क्लास रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। आप चाहो तो मेरे रिकॉर्डेड कोर्स को भी बाय कर सकते हो मेरे मोबाइल ऐप के ऊपर जाके, लेकिन वो रिकॉर्डेड है, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ ऑनलाइन जब पढ़ेंगे तो लाइव पढ़ेंगे।